इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले 45 सालों में जो नहीं हुआ है वह मोदी हुकूमत में हुआ है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के 20 फौजियों को चीनी फौजियों ने बड़ी बेरहमी से कीले लगे रॉड से हमला किया और इन जवानों को शहीद किया गया। वैसे तो भारत चीन तनाव कोई नया नहीं है, पर भारत की अक्सर तवज्जो पाकिस्तान बॉर्डर पर होती है क्योंकि यहाँ की सरगर्मी को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सियासी मुफाद हासिल किया जा सकता है। भाजपा के साबिक वजीर यशवंत सिन्हा ने यही ट्वीट के जरिए कहा कि क्या तिब्बत में भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा या घर में घुसकर मारेंगे सिर्फ पाकिस्तान के लिए। वाज़ रहे कि साबिक मरकजी वजीर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में कैबिनेट वजीर रह चुके। इससे पहले भी इन्होंने वजीर आजम मोदी पर गलत फैसलों पर तंज किया था। भारत और चीन के दरमियान गलिवान घाटी में जबरदस्त झड़प हुई थी। हिंदू अखबार के मुताबिक कमांडेंट रैंक के 4 अफसरों को 6 फौजियों को गिरफ्तार किया गया था। चीन ने खूनी झड़प के बाद इन्हें रिहा करने की खबर भी आई है। भारत में कुछ कथित राष्ट्रवादी तंजीमें हैं, अब इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया हुआ है कि चीनी चीजों का बायकॉट किया जाए। इससे पहले भी इस तरह की आवाज बार बार आती रहती है, पर क्या यह आसान है या मुमकिन है? भारत के बाजार में तकरीबन कब्जा करने वाली चीनी कंपनियों का सिर्फ बायकॉट करने का नारा लगाने से कुछ नहीं हासिल होगा। जो लोग यह नारा लगा रहे हैं, अगर इनकी जेब में तक अगर आप टटोल कर देखेंगे तो चीनी मोबाइल यानी ओप्पो और वीवो मोबाइल मिलेगा। सिर्फ आवाम को गुमराह कब तक करते रहेगी यह हुकूमत और हम कब तक अंधभक्ति में लीन होकर मोदी हुकूमत की हिमायत में नमो नमो करते रहेंगे? यकीनन जब मुल्क मुश्किल दौर में रहेगा, पूरा देश हुकूमत के साथ है और यही वक्त होता है जब आपको अपनी देशभक्ति जाहिर करनी होती है। पर क्या हुकूमत की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है या नहीं? जब हमारे ताल्लुकात तलखी की तरफ बढ़ रहे थे तब चीनी कंपनियों को आखिर क्यों भारत में आने दिया गया? क्या मोदी हुकूमत एक तरफ चीनी चीजों का बायकॉट का ड्रामा रचाती है और दूसरी तरफ चीनियों को ना सिर्फ सरहद में बल्कि बाजारों तक का कब्जा करने के लिए आजाद छोड़ देती है? अंधभक्त भले ही चीन का झंडा जलाकर चीन से नफरत की भड़ास निकालते हो, पर सच्चाई यह है कि दिवाली में जलने वाली एलईडी लाइट्स तक चीन से आती है। कम दाम में चीजें बनाना और ग्राहक को मुहैया कराना चीन का कारोबार है। अगर आज चीन की जरूरतमंदी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए तो गलत ना होगा। पूरे देश में चीन मुखालिफ लहर तेज हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि क्या चीन की चीजों का बायकॉट करना या पाबंदी आयात करना मुमकिन है? दवा से लेकर मोबाइल तक और खिलौनों से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक के लिए हम चीन के भरोसे ही चल रहे हैं। भले ही आज फौजियों को मारे जाने के बाद वजारत तिजारत के साबिक वजीर अजय दुआ कहते हैं कि चीन पर मुनासर होना खत्म करना चाहिए और यही हमारा मकसद है और मुख्तलिफ माशी महाज खोलने होंगे। सिर्फ कुछ चीजों पर ही नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस कदर हम चीन पर मुनासर है। सिर्फ स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ का है जिसमें चीन की हिस्सेदारी 73% यानी कि 73% है, यानी तकरीबन भारत के शहरी चीन का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। भारत में टीवी भी बिकता है तो चाइना का। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का बाजार चीन के कब्जे में है। भारत में बिकने वाले टीवी में 50% के करीब चीन का कब्जा है। बेलगाम में भी ऑटोमोबाइल की बड़ी मार्केट है, फोर्ट रोड में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह बड़े शहरों में भी ऑटोमोबाइल कुलपुर्जे का बाजार भी चाइना के कब्जे में है। सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए कुलपुर्जों से चीन भारत के बाजार से कमाता है। 50% से भी जायद फर्नीचर चीन भारत में बेचता है। इलेक्ट्रिकल खिलौने 70% के करीब, 82% मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स यानी पुर्जे, 80% साइकिल के पुर्जे, एंटीबायोटिक्स गोलियां 70%, यहां तक कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो मेडिकल के लिए लगता है वो भी 70% से भी ज्यादा भारत को आता है तो वो चीन से। यह तमाम जानकारी ट्रेड मैप डाटाबेस से ली हुई है। जब अंधभक्त बायकॉट या पाबंदी की मांग कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है जबकि तकरीबन मार्केट चीन के कब्जे में जा चुके हैं? तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए?
सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा और सरकार से सवाल पूछने होंगे कि अपनी नाकामी का ठीकरा किसी दूसरे के सर फोड़कर बचने की आदत अब कब बदलोगे। अब मोदी सरकार को बदलना होगा और सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। देश की आवाम अब हुकूमत से सवाल करने की हिम्मत जुटाए। सिर्फ चीन का झंडा जलाने से तुम चीन पर फतेह नहीं पा सकते और ना देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हो। अब आने वाले वक्त में भारत सरकार की क्या नीतियां होंगी, इस पर अब तमाम की नजरें टिकी हुई होंगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।